सिलसिले स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एरिया देख रहे थे आप लोग, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में पहले तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या का कॉन्सेप्ट है, इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्या इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स या क्या इंपॉर्टेंट अकाउंट्स है जो कि आपसे प्रिपेयर करवाए जा सकते हैं, फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट तरह की इनकम्स के हवाले से हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन की कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन कौन सी इनकम वगैरह आ रही होगी। और अब जो है फाइनली हम इस लेवल तक आ चुके हैं कि हम आईकेप लेवल के कुछ पास्ट पेपर्स वगैरह स्टार्ट कर सकें। तो एक हैंडआउट मैंने आप लोगों के साथ लास्ट क्लास में शेयर किया था जिसमें हमारे पास नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के आईकेप के पास्ट पेपर के सवाल आ रहे हैं, इसको देखते हैं जरा। अगर हम अपने पास क्वेश्चन नंबर वन पर आए तो क्वेश्चन नंबर वन आपके हैंडआउट का स्प्रिंग 2016 के अटेम्प्ट का भी क्वेश्चन नंबर वन है, 20 मार्क की वेटेज इसकी सीबीयू क्लब के नाम से। इस सवाल को रीड करते हैं, सॉल्व करते हैं। कहता है सीबीयू क्लब स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन ऑन 1st February 2015, स्पॉन्सर्स ऑफ द क्लब कंट्रीब्यूटेड 50 मिलियन टुवर्ड्स द जनरल फंड फॉर द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन एंड प्लेस द अमाउंट इन अ बैंक। फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट समरी फॉर द पीरियड फ्रॉम 1st February 2015 to 31st December 2015। एक सीवीयू क्लब के नाम से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टार्ट हुआ है 1st February 2015 पे। इसके स्पॉन्सर्स ने इनिशियली 50 मिलियन कंट्रीब्यूट किए टुवर्ड्स द जनरल फंड इस एनपीयू को स्टार्ट करने के लिए, और सारा अमाउंट इन्होंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। फिर हमारे पास रिसीट और पेमेंट की समरी इन्होंने बना के दी है कि ड्यूरिंग द ईयर इस एनपीयू ने कौन कौन सा अमाउंट रिसीव किया, ड्यूरिंग द ईयर इस एनपीयू ने क्या क्या एक्सपेंडिचर्स की, पेमेंट वगैरह की। और इस साल में इस एनपीयू की जो ऑपरेशन है वो पूरे 12 महीने नहीं, 1st February 2015 से लेकर 31st December 2015 तक है। सर, अगर हम रिसीट और पेमेंट अकाउंट को देखें तो रिसीट में हमारे पास स्पॉन्सर्स कंट्रीब्यूशन आ रहा है 50 मिलियन, ज्वाइनिंग फीस आ रहा है 20.8 मिलियन, सब्सक्रिप्शन फॉर मेंबर्स आ रहा है 29.952, सेल ऑफ बेवरेजेस आ रहा है 1.5 मिलियन। पेमेंट्स को अगर हम देखें तो हमारे पास फिक्स्चर्स एंड फर्नीचर्स आ रहा है, वैन, सैलरीज, रेंट, यूटिलिटीज, इंश्योरेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, परचेज ऑफ बेवरेजेस एंड एडवांस फॉर प्लॉट ऑफ लैंड एंड बैलेंस अमाउंट। तो हमारे पास रिसीट्स एंड पेमेंट्स की एक पूरी समरी बनी हुई है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारे पास सवाल में और रिक्वायरमेंट में हमसे कहता है प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन एज एट 31st December 2015 एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ सीवी क्लब फॉर द पीरियड एंड 31st December 2015। तो सवाल के रिक्वायरमेंट में हमें बेसिकली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रिपेयर करना है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन को रीड कर लेता है। पॉइंट नंबर वन में कहता है द जॉइनिंग फी फॉर द अवार्ड ऑफ मेंबरशिप इज 50,000, एनुअल सब्सक्रिप्शन इज 24,000, ऑल मेंबर्स पे 3-year सब्सक्रिप्शन इन एडवांस एंड द मेंबरशिप वर अवार्डेड एज फॉलो। देखिए, जब ये क्लब स्टार्ट हुआ ना तो इनिशियली इसके स्पॉन्सर्स ने 50 मिलियन कंट्रीब्यूट किया था टुवर्ड्स द जनरल फंड, एक तो अमाउंट ये था। फिर जितने लोग इस क्लब का पार्ट बनेंगे हर मेंबर को 50,000 रुपए की ज्वाइनिंग फी पे करनी पड़ेगी, और हर मेंबर को एनुअल सब्सक्रिप्शन 24,000, 3 साल की सब्सक्रिप्शन एडवांस में पे करनी पड़ेगी। और इन्होंने इन इन मंथ्स में इतने इतने मेंबर्स इनटेक किए हैं, मार्च के महीने में 112, जून के महीने में 98, सितंबर के महीने में 101 और दिसंबर के महीने में 105। यानी कि पॉइंट नंबर वन सब्सक्रिप्शन अकाउंट से पर्टेन करता है टोटली। पॉइंट नंबर टू द क्लब सेल बेवरेजेस एट अ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20%, ऑल सेल्स आर बिल्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ द नेक्स्ट मंथ एंड रिपेमेंट इज रिसीव्ड इन द सेम मंथ। सेल ऑफ बेवरेजेस ड्यूरिंग द December 2015 अमाउंट टू ₹1.5 लाख। कह रहा है इसके अलावा इस क्लब की ट्रेडिंग एक्टिविटी भी है कि ये बेवरेजेस सेल करती है। बेवरेजेस जो सेल की जाती है वो 20% के प्रॉफिट मार्जिन पे की जाती है। हर महीने की जो भी सेल होती है उसकी बिलिंग अगले महीने होती है और अगले महीने उसकी पेमेंट भी मिल जाती है, और दिसंबर के महीने में 1.5 लाख की सेल हुई है। पॉइंट नंबर थ्री, 25% ऑफ द परचेजेस ऑफ बेवरेजेस मेड ड्यूरिंग द ईयर रिमेन अनसोल्ड एट द ईयर एंड। और कहता है कि पूरे साल में हमने जो भी बेवरेजेस की परचेजेस की थी उसका 75% एक्चुअली बिक चुका है, 25% ईयर एंड पे अभी भी अनसोल्ड है। यानी कि पॉइंट नंबर टू पॉइंट नंबर थ्री पर्टेन करता है ट्रेडिंग एक्टिविटीज से, पॉइंट नंबर वन सिर्फ सब्सक्रिप्शन अकाउंट से पर्टेन करता था, पॉइंट नंबर टू पॉइंट नंबर थ्री हमारा पर्टेन करता है ट्रेडिंग एक्टिविटीज से।
फिर हमारे पास एक्सपेंसेस के हवाले से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं पॉइंट नंबर फोर, सैलरीज आर पेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, द अमाउंट ऑफ सैलरी इंक्लूड एन एडवांस अमाउंटिंग टू 10,000 पेड टू द एम्प्लॉय ऑन 1 दिसंबर 2015, द एडवांस इज रिपेबल ऑन 1 फरवरी 2016। कह रहे हैं कि हर महीने की सैलरी अगले महीने की पहली तारीख को पे की जाती है, हर महीने की सैलरी अगले महीने की पहली तारीख को पे की जाती है। हमने ड्यूरिंग द ईयर जो सैलरी पे की ना, उसमें से एक एम्प्लॉय को 10,000 रुपए की एडवांस सैलरी पे की है। ये 10,000 रुपए की एडवांस सैलरी पे की गई है 1 फरवरी 2015 पे, और इसे एडवांस सैलरी जो दी गई है ये एडजस्ट होगी इसकी 1 फरवरी 2016 की सैलरी की पेमेंट से। पॉइंट नंबर फाइव, रेंट फॉर द 3 ईयर वॉज पेड इन एडवांस ऑन 1 फरवरी 2015। हमने 3 सालों का किराया एडवांस में पे कर दिया 1 फरवरी 2015 से लेकर 31 जनवरी 2018 तक। पॉइंट नंबर सिक्स, प्रेजेंटली द क्लब इज ऑपरेटिंग ऑन रेंटेड प्रेमिसेस, हाउएवर द प्लॉट ऑफ लैंड हैज बीन परचेज ऑन विच कंस्ट्रक्शन वुड कमेंस शॉर्टली, टाइटल ऑफ लैंड वुड बी ट्रांसफर्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द लीगल फॉर्मेलिटीज। कह रहे फिलहाल तो हमने एक रेंटेड प्रेमिसेस लिया हुआ जिसपे हम अपने ऑपरेशंस रन कर रहे हैं, लेकिन हमने एक प्लॉट ऑफ लैंड भी परचेज करना है जिसके अगेंस्ट हमने एडवांस पे कर दिया है। सर आपको कैसे पता चला एडवांस पे कर दिया है? अगर आप पेमेंट वाली साइट पर आओ तो पेमेंट में आ रहा है एडवांस टू प्लॉट, एडवांस फॉर प्लॉट 65 मिलियन। तो कह रहा है अभी प्लॉट का टाइटल हमारे नाम पे ट्रांसफर नहीं हुआ, अभी हमने सिर्फ एडवांस पे किया, जब लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाएगी तो प्लॉट हमें मिल जाएगा। पॉइंट नंबर सेवन, पेमेंट फॉर यूटिलिटीज इंक्लूड सिक्योरिटी डिपॉजिट पेड टू यूटिलिटी कंपनी अमाउंटिंग टू ₹20,000, यूटिलिटी बिल आर पेड ऑन 7th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। कह रहा आपके पास रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो यूटिलिटीज की पेमेंट आ रही है उसमें से 20,000 रुपए का हमने यूटिलिटी कंपनी को सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है। प्रैक्टिकली होता है कि जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी या गैस का न्यू कनेक्शन लेते हो तो आपको कुछ अमाउंट एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट इलेक्ट्रिक या गैस कंपनी को देना पड़ता है, जो कि आपका एसेट होता है। जब आप अपना कनेक्शन डिसकंटिन्यू करते हो तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको रिटर्न मिल जाता है, और हर महीने का यूटिलिटी बिल हम अगले महीने की 7 तारीख को पे करते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम वॉज पेड ऑन 1 फरवरी 2015 कवरिंग अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। कह रहे 1 फरवरी 2015 पे आपने इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट की है, ये भी आपको पेमेंट अकाउंट से मिल जाएगा 1,20,000 रुपए, और ये पूरे साल की इंश्योरेंस है, यानी कि 1 फरवरी 2015 से लेकर 31 जनवरी 2016 तक। पॉइंट नंबर नाइन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस इंक्लूड्स एन एडवांस ऑफ 1 लाख पेड टू द कॉन्ट्रेक्टर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पार्किंग शेड। हमें कोई पार्किंग शेड बनाना है जिसके लिए हमने कॉन्ट्रेक्टर को 1 लाख रुपए की पेमेंट की है और उसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस के नाम से रिकॉर्ड कर दिया। रिपेयर बिल्स अमाउंटिंग टू 7,000 वर आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड, और 7,000 रुपए के रिपेयर बिल ऐसे हैं जो कि साल के आखिर में आउटस्टैंडिंग है। फर्नीचर एंड फिक्स्चर्स एंड वैन वर परचेज ऑन 1 फरवरी 2015, डेपोजिशन ऑन दिस एसेट इज टू बी चार्ज एट 10% and 20% रिस्पेक्टिवली। अगर आप पेमेंट अकाउंट देखेंगे तो आपके पास फर्नीचर एंड फिक्स्चर्स और वैन की पेमेंट आ रही होगी 1.2 मिलियन और 1.5 मिलियन। कह रहा है ये फर्नीचर और वैन हमने 1 फरवरी 2015 पे खरीदा और इस पे 10% 20% से हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो एक रीजनेबल सवाल है जिसमें आपको रिसीट पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी और आपसे बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रिपेयर करवाया गया है। एक दफा सवाल को दोबारा से खुद से रीड करें फिर मैं इसे सॉल्व करवाता हूं। चले सर सॉल्व करते हैं सवाल को। इस सवाल की रिक्वायरमेंट में हमें इस क्लब का स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, तो मैंने इसका एक परफॉर्मा या फॉर्मेट आपके सामने क्रिएट कर दिया है। बैलेंस शीट में हमारे पास एसेट्स, एसेट्स में हमारे पास नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स आ रहे होंगे। दूसरी साइड पे क्रेडिट साइड पे हमारे पास फंड्स, यहाँ पे फंड्स में कोई स्पेसिफिक फंड्स नहीं है, सारे के सारे जनरल फंड्स ही हैं। लायबिलिटीज, लायबिलिटीज में नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज आ रही होगी, और हम एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बना रहे होंगे। अब हमने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ मैनेज नहीं करना, एक वक्त में एक इन्फॉर्मेशन को रीड करेंगे और अकॉर्डिंगली मैनेज करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इन्होंने कहा था कि जब ये क्लब स्टार्ट हुआ ना तो स्पॉन्सर्स ने 50 मिलियन कंट्रीब्यूट किया और क्लब स्टार्ट कर दिया। सबसे पॉइंट नंबर वन पे आए तो पॉइंट नंबर वन में इन्होंने सब्सक्रिप्शन के हवाले से डिटेल्स दी हुई है। पॉइंट नंबर वन में कह रहे हैं कि मेंबर्स की ज्वाइनिंग फी थी 50,000 रुपए, 24,000 रुपए की एनुअल सब्सक्रिप्शन थी, और हर मेंबर को 3 साल की सब्सक्रिप्शन एडवांस में पे करनी है। सर सबसे पहले तो जो 50,000 रुपए की ज्वाइनिंग फी रिसीव हुई
इसकी क्या अकाउंट में ट्रीटमेंट होगी? 50,000 रुपए की जो मेंबर्स की ज्वाइनिंग फी है, मेंबरशिप फी है, इसका क्या करेंगे? सर इसकी तीन तरह की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स थी, इसकी तीन तरह की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स थी। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया है कि जो आपको परमानेंट मेंबरशिप फी मिलती है, जो आप पे करते हो, उसकी तीन तरह की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स है। नंबर वन, या तो आप इसे डायरेक्टली इनकम में रिकॉर्ड कर दो। नंबर टू, या तो आप इसे डेफर्ड या अन इनकम रिकॉर्ड करके ओवर द पीरियड अमोर्टाइज करो। एंड नंबर थ्री, अगर आप चाहो तो डायरेक्टली इसे फंड्स में भी ले जा सकते हो। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ भी नहीं बताया, यहाँ पे इन्होंने कुछ भी नहीं बताया कि मेंबरशिप फी की जो ज्वाइनिंग फीस है 50,000 रुपए, इसका क्या करना है। तो मैं इन तीनों में से कोई भी एक मेथड फॉलो कर सकता हूँ। लेट्स से कि मैं इस 50,000 रुपए को डायरेक्टली एज इनकम रिकॉर्ड कर लेता हूँ। लेट्स से कि मैं 50,000 रुपए को डायरेक्टली एज इनकम रिकॉर्ड कर लेता हूँ, तो मैं क्या करूंगा? सर कैश एंड बैंक डेबिट, कैश एंड बैंक डेबिट, मेंबर्स ज्वाइनिंग फी या लाइफ मेंबरशिप फी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट। तो मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ज्वाइनिंग फी क्रेडिट साइड पे लिख देता हूं, दैट इज 50,000। ज्वाइनिंग फी दैट इज 50,000। सर 50,000 तो एक मेंबर की फी है ना, तो 50,000 थोड़ी, आपने ये देखना है कि आपके पास कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं जिन्होंने ड्यूरिंग द ईयर ज्वाइन किया। तो ये सिंपली नंबर ऑफ मेंबर्स का टोटल कर सकता हूं मैं। सर मार्च के 112, जून के 98, सितंबर के 101 और दिसंबर के 105, इन सर चारों का 416, 416 इंटू 50,000, तो कितना गया ये? 20.8 मिलियन। क्या मेरे रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में 20.8 मिलियन की हमें ज्वाइनिंग फी रिसीव हुई है? यस सर, अगर आप रिसिट अकाउंट में देखें तो ज्वाइनिंग फी डेबिट साइड पे कितना आ रहा है? 20.8 मिलियन। यानी हमने एंट्री क्या बनाई होगी? कैश एंड बैंक डेबिट, ज्वाइनिंग फी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट। इसके बाद कह रहा है कि 24,000 रुपए की एनुअल मेंबरशिप है, हर मेंबर 3 साल की मेंबरशिप फी एडवांस में देगा। यानी कि एक चीज तो मुझे समझ आती है यहाँ पे, यहाँ पे कोई मेंबरशिप रिसीवेबल या सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल नहीं होगा, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस ही होगा। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन इन एडवांस ही होगा। तो अगर मैं एक आसान सा सब्सक्रिप्शन इन एडवांस का टी अकाउंट बनाऊं, सर सब्सक्रिप्शन इन एडवांस के टी अकाउंट में ओपनिंग सब्सक्रिप्शन इन एडवांस कितना आ रहा होगा? जीरो। ओपनिंग सब्सक्रिप्शन इन एडवांस कितना आ रहा होगा? जीरो। जो ड्यूरिंग द ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव की, जो ड्यूरिंग द ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव की वो हमारा क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। जो ड्यूरिंग द ईयर सब्सक्रिप्शन इनकम है वो हमारा डेबिट साइड पे आ जाएगा, और जो भी क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन इन एडवांस है वो हमारा डेबिट साइड पे क्लोजिंग आ रहा होगा। ऐसा ही है। अब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितनी है? सर सब्सक्रिप्शन रिसीव आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, 112, 98, 101 और 105, इतने मेंबर्स ने हमें ड्यूरिंग द ईयर ज्वाइन किया है, ये बनता है 416 लोगों ने 24,000 पर एनम की सब्सक्रिप्शन पे किया, और हर मेंबर ने 3 साल की सब्सक्रिप्शन एडवांस में पे किया। ऐसा ही है। कितना? 99 299 29952000। तो हम रुपीज इन थाउजेंड्स में सारी वर्किंग कर रहे हैं ना, तो 29.952 मिलियन। अगर मैं अपने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को देखूं तो क्या मुझे इतनी ही सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है? यस सर, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से ये चीज क्रॉस चेक भी हो रही है कि मैं 29,952 की सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है। अब इसमें से या तो मैं सब्सक्रिप्शन इनकम माइनस कर दूं तो मेरे पास क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन इन एडवांस आ जाएगा, या सब्सक्रिप्शन इन एडवांस माइनस कर दे तो आपके पास सब्सक्रिप्शन इनकम आ जाएगा। क्या करें सर? एडवांस माइनस करते हैं, तो मैं क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। अब क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन इन एडवांस आपने पिक तो कर लिया, लेकिन इसको थोड़ा देखभाल के कैलकुलेट करना है। देखो किस तरह से, हमारे पास मार्च में 112 लोग आए, हमारे पास मार्च में 112 लोग आए, इन 112 लोगों ने 24,000 3 साल के दिए, तो मार्च से लेकर दिसंबर तक
कितने महीने बने? 10 महीने. 10 महीनों की इनकी इनकम अर्नड हो गई. 1 साल में से 2 महीनों की इनकम इन एडवांस में रखी हुई है, लेकिन इन्होंने 3 साल की फीस एडवांस में दी है, यानी कि 2 साल 2 महीने की फीस एडवांस में रखी हुई है. मैं रिपीट कर रहा हूं, हर मेंबर ने 24,000 पर एनम 3 सालों की फीस दी है. जो लोग मार्च में आए, मार्च से लेकर दिसंबर तक ये बनते 10 महीने, 10 महीने की इनकम अर्न हो गई, 10 महीने की इनकम अर्न हो गई. सर कितनी इनकम एडवांस में होनी चाहिए? सर 1 साल के 2 महीने और दूसरे और तीसरे साल के पूरे पूरे 24,000 रुपए, ये इनका सब्सक्रिप्शन इन एडवांस का अमाउंट है. तो अब ये कैसे कैलकुलेट करें? 112 into 24,000 into 3 multiply by 26 divided by 36. सर मैं रिपीट क्या कह रहा है मैं समझाता हूं. देखो 112 लोग, 1 साल के 24,000, तो 3 साल के जो भी अमाउंट बनेगा, यानी इन 112 लोगों ने 3 साल का इतना पैसा दिया. अच्छा 3 साल का जो पैसा दिया वो टोटल 36 महीनों के लिए दिया है. 36 महीनों में से 10 महीने इनकम, बाकी 26 महीने एडवांस. तो मल्टीप्लाई बाय 26 डिवाइड बाय 36. अरे अभी हम सिर्फ मार्च वालों को देख रहे हैं. 112 लोग आए, 24,000 के हिसाब से 3 सालों के पैसे दिए, तो टोटल इतने पैसे दिए. कितने महीनों के अगेंस्ट? 3 सालों के अगेंस्ट, यानी कि 36 महीनों के अगेंस्ट. 36 महीनों में से 10 महीने की इनकम आन हो गई, बाकी 26 महीनों की इनकम एडवांस है. तो मल्टीप्लाई बाय 26 डिवाइड बाय 36 कर दूं. क्या ये समझ आ रहा है? मैं सर वो ये कह रहा है कि हमने एनपीओ जो है वो स्टार्ट ही फर्स्ट फेब पे किया, यानी कि पहले साल में इसके एनपीओ की जो पहले साल के आखिर में लाइफ है वो 1 साल नहीं, वो 11 महीने. सर इनका सवाल सुनिएगा, इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है. ये एनपीओ फर्स्ट फेब पे स्टार्ट हुआ है, ये एनपीओ फर्स्ट फेब पे स्टार्ट हुआ है. करंट ईयर में इस एनपीओ की लाइफ कितनी है? 11 महीनों की. और 112 लोग मार्च में आए, तो मार्च से लेकर ईयर एंड तक 10 महीने की इनकम अर्न होगी या 9 महीनों की इनकम अर्न होगी? सर 10 महीनों की इनकम अर्न होगी ना. मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इन्होंने जो पैसे दिए वो 1 मार्च से लेकर 28 फरवरी तक के पैसे इन्होंने पे किए. क्या ये समझ आता है हमें? इसके बाद फिर हमारे पास जून के महीने में 98 लोग आए. इन 98 लोगों ने भी 24,000 इंटू 3 साल के दिए होंगे. अब इन्होंने जून के महीने में ज्वाइन किया क्लब, तो जून से लेकर दिसंबर तक 7 महीने की इनकम अर्न हो गई. 7 महीने की इनकम अर्न हो गई, तो 36 में से अगर 7 हटा दूं तो 29 महीनों की इनकम एडवांस में है. तो 29 डिवाइड बाय 36 कर दे. क्लियर है? इसी तरह 101 लोग सितंबर में आए, 101 लोग सितंबर में आए, तो सर 101 लोगों ने भी 24,000 3 सालों के दिए. अब सितंबर में आए, यानी कि सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सिर्फ 4 महीनों की इनकम आन हुई, बाकी सारे महीनों की इनकम एडवांस में. तो 36 में से 4 निकाल दें तो 32/36. और इसके बाद 105 लोग दिसंबर में आए, 105 लोग दिसंबर में आए, इन्होंने भी 24,000 3 सालों के दिए और सिर्फ दिसंबर के महीने की इनकम अर्न हुई, तो 35/36. मुझे ये सब कैलकुलेटर करके दे देते हो? तो हमारे पास डिफरेंशियल सब्सक्रिप्शन इनकम आ जाएगी, रिसीव्ड माइनस एडवांस सब्सक्रिप्शन इनकम आ जाएगी 4630.
अच्छा आपने कैलकुलेट तो करवा दिया लेकिन ना दिल मुतमईन नहीं हो रहा कि ये सही है या नहीं, तो अब इसको ऑल्टरनेटिवली भी कैलकुलेट कर सकता हूं मैं, ये नंबर भी कैलकुलेट कर सकता हूं। देखो कैसा है सर, सब्सक्रिप्शन इनकम अगर हम कैलकुलेट करें 2015 की, यहां देखो जितने लोग मार्च में आए 112 लोग, इन्होंने 24,000 तीन सालों के दिए, लेकिन मैं अभी एक साल की इनकम में से जो करंट ईयर के महीने वो कैलकुलेट कर रहा हूं। अगर ये लोग मार्च में आए तो मार्च से लेकर दिसंबर तक 10 महीनों की इनकम है, तो 112 इंटू 24,000 इंटू 10/12 ऐसे करूंगा इनकम। इसी तरह जो लोग जून में आए 98 इंटू 24,000 जून में आए, तो जून से लेकर दिसंबर तक 7 महीनों की इनकम है इनकी। इसी तरह जो लोग सितंबर में आए 101, तो 24,000 सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीनों की इनकम है इनकी। और जो लोग दिसंबर में आए 101 इंटू 24,000 एक महीने की इनकम है इनकी, सॉरी 105। तो अगर मैंने सही किया है तो इनकम अगर मैं इन सबका टोटल करूं तो क्या ये 4630 आ रहा है, क्या ये 4630 आ रहा है? करे चेक, इतनी जल्दी कैसे कैलकुलेट कर लिया आपने, सही बात ना? तो इसका मतलब है कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट हमारा क्लोज हो गया, हमें कैश रिसीव हुआ है 29,952, हमारी इनकम है 4630 और हमारे पास सब्सक्रिप्शन इन एडवांस है 25,322। अब गौर से देखिएगा, जो अमाउंट इनकम का है वो इनकम में एक्सपेंडिचर में ले जाएंगे, तो एंट्री क्या बनाएंगे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मैं सब्सक्रिप्शन इनकम ले जाता हूं 4,630 और जो क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन इन एडवांस है ये आपकी बैलेंस शीट पे चला जाएगा एज अ एसेट, एज अ लाइबिलिटी, एज अ लाइबिलिटी, एज अ नॉन करंट लाइबिलिटी, एज अ करंट लाइबिलिटी, एज अ नॉन करंट लाइबिलिटी, एज अ करंट लाइबिलिटी। सर कुछ करंट में कुछ नॉन करंट में, क्योंकि तीन साल की सब्सक्रिप्शन दी है इन लोगों ने, कुछ कुछ महीने की तो इनकम अर्न हो गई, लेकिन कुछ महीनों की इनकम आने वाले 12 महीनों में अर्न होगी और बाकी सारी 12 महीनों से बियॉन्ड अर्न होगी। तो इसका मतलब है, इसका मतलब है कि ये एक जगह नहीं, ये लाइबिलिटीज में भी दो जगह आएगा, एक सब्सक्रिप्शन इन एडवांस नॉन करंट में, एक सब्सक्रिप्शन इन एडवांस करंट में। हमें मालूम है ना कि वो अमाउंट जो अगले 12 महीनों में ही रियलाइज हो जाएगा वो करंट है, वो अमाउंट जो 12 महीनों के बाद रियलाइज होगा वो हमारा नॉन करंट है। हमें इतना मालूम है कि हमारे पास टोटल जो लाइबिलिटी आएगी ना सब्सक्रिप्शन इन एडवांस के नाम से वो आएगी 25,322। खुद जहन लड़ाए, क्या किसी तरह तुम इसे करंट नॉन करंट में तोड़ सकते हो? खुद जहन लगाए, क्या मैं किसी तरह से इस 25,322 के अमाउंट को करंट नॉन करंट में तोड़ सकता हूं आसानी से? फाइव 4630 से वो तो करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन इनकम है ना। सर इसका बड़ा आसान सा तरीका है, देखो तुम्हारे पास क्लोजिंग में 25,322 की सब्सक्रिप्शन रखी हुई है, ये 25,322 है क्या, समझो इस चीज को, जो लोग मार्च के थे ना उनकी 26 महीनों की सब्सक्रिप्शन एडवांस में रखी हुई है, जो लोग जून के थे ना उनकी 29 महीनों की सब्सक्रिप्शन एडवांस में रखी हुई है, जो लोग सितंबर के थे ना उनकी 32 महीनों की सब्सक्रिप्शन एडवांस में, और जो दिसंबर के ना उनके 35 महीनों की सब्सक्रिप्शन एडवांस में। अब इन सबके 26, 29, 32, 35 महीनों की सब्सक्रिप्शन में से 12 महीनों की सब्सक्रिप्शन करंट लाइबिलिटी में आनी चाहिए, बियॉन्ड 12 महीनों की सब्सक्रिप्शन एडवांस में आनी चाहिए। तो एक तरीका, तो लंबा तरीका यह है कि मैं 1,12,000 इंटू 24,000 इंटू 3 12/36 करूं, 98,000 24,000 इंटू 3 12/36 करूं, यानी सबका 12 महीनों का अमाउंट निकालू, वो करंट पोर्शन आ गया, बाकी सब नॉन करंट में डाल दूं। ये आसान तरीका यह है कि सर 416 मेंबर्स के
एक साल के पैसे करंट में आने चाहिए, 416 लोगों के एक साल के पैसे करंट में आने चाहिए। 99984। और टोटल में से जितने करंट में आ गए बाकी बैलेंसिंग नॉन करंट में आने चाहिए, तो टोटल एडवांस था 25322 माइनस 9984। सर आपने इतने शॉर्टकट तरीके से करा तो दिया लेकिन दिल हमारा मुतमइन नहीं हो रहा। मैं सेटिस्फाई करवाता हूं आपको, यहां देखें, यहां देख लो सर, क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन इन एडवांस कैलकुलेट कर रहे हैं हम करंट। कैसे सर? 112 लोगों ने 24,000 3 साल के दिए थे, इसमें से अगले 12 महीनों का अमाउंट करंट में आना चाहिए। सर 98 लोगों ने 24,000 3 साल के दिए थे, इनका 12 महीनों का अमाउंट करंट में आना चाहिए। सर 101 लोगों ने 24,000 3 साल के एडवांस में दिए थे, इनके 12 महीने का अमाउंट करंट में आना चाहिए। सर 105 लोगों ने 24,000 3 सालों के दिए थे, इनके भी 12 महीने का अमाउंट करंट पोर्शन में आना चाहिए। अगर हम इन सबको सॉल्व करें तो क्या ये 9984 बन रहा है? चेक कर ले। यस सर, इतनी जल्दी कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं? तो यही बन रहा है क्या? हमें जहनी तौर पे ये एक्सेप्टेंस आ रही है कि हाँ ये सही किया हमने, पक्की बात है? तो यहां तक हमारी सब्सक्रिप्शन से पर्टेनिंग एंट्री क्लोज हो गई, पॉइंट नंबर वन। सर बैलेंस शीट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अभी कॉपी ना करें, सिर्फ ये वाला हिस्सा बोर्ड को कॉपी करें, फिर मैं बाकी चीजों पे आता हूं। आगे बढ़ते हैं सर, पॉइंट नंबर टू पर आते हैं। पॉइंट नंबर टू में कहता है द क्लब सेल बेवरेजेस एट अ ग्रॉस मार्जिन ऑफ 20%, ऑल सेल्स आर बिल्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ द नेक्स्ट मंथ एंड द पेमेंट इज रिसीव इन द सेम मंथ। सेल ऑफ बेवरेजेस ड्यूरिंग द दिसंबर 2015 अमाउंट ₹1,50,000। कहता है हम बेवरेजेस सेल कर रहे हैं 20% के मार्जिन पे, हर महीने की जो भी सेल होती है ना वो अगले महीने के पहले हफ्ते में इनवॉइस होती है और अगले महीने में उसकी पेमेंट मिल जाती है। दिसंबर के महीने की सेल्स कितनी है? 1,50,000। अगर मैं अपने रिसिट ऑफ पेमेंट अकाउंट को देखूं तो हमारे पास सेल ऑफ बेवरेजेस के 15 लाख रुपए है। ये 15 लाख रुपए सेल नहीं है, ये 15 लाख रुपए वो सेल है जिसके पैसे मिल गए। ये 15 लाख रुपए वो सेल है जिसके पैसे मिल गए। अब हर महीने की सेल के पैसे अगले महीने मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि फरवरी की सेल मार्च में रिकवर हुई होगी, मार्च की सेल अप्रैल में रिकवर हुई होगी, एंड सो ऑन। दिसंबर की जो सेल हुई होगी वो रिकवर नहीं हुई होगी, वो अगले साल रिकवर होगी। तो अगर मैं अपने पास टोटल सेल कैलकुलेट करना चाहूं तो सर हमारे पास सेल कैश रिसीव्ड ये 15 लाख रुपए, ये जो 15 लाख रुपए में रिसीव हुए ये एक तरह से फरवरी से लेकर नवंबर तक की सेल के पैसे रिसीव हुए होंगे। इसमें अगर मैं दिसंबर के सेल ऐड कर दूं, दैट इज 1,50,000, तो हमारे पास 16,50,000 रुपए की टोटल सेल आ जाएगी। फिर इन्होंने हमसे कहा कि आप 20% मार्जिन पे सेल कर रहे हैं, तो अगर मैं इसी को मल्टीप्लाई बाय 80% कर दूं तो कॉस्ट ऑफ सेल्स, और मल्टीप्लाई बाय 20% कर दूं तो प्रॉफिट आ जाएगा। मार्जिन है ना 20% मार्जिन, यानी कि परसेंटेज ऑन सेल्स, तो 16,50,000 का 20% इज प्रॉफिट। तीन सौ बीस प्रॉफिट है, और 330, और 16,50,000 का 80% 1,320। क्या ये समझ आ रहा है सबको? फिर कहता है पॉइंट नंबर थ्री में 25% ऑफ द परचेजेस ऑफ बेवरेजेस मेड ड्यूरिंग द ईयर रिमेन अनसोल्ड एट ईयर एंड। कह रहे पूरे साल में जो भी आपने परचेजेस की ना उसका 25% अनसोल्ड है।
यानी कि 75% सोल्ड है। तो अगर मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स ये है तो मैं टोटल परचेजेस 1320 डिवाइडेड बाय 75% करके निकाल सकता हूं। भाई 100 की टोटल परचेजेस होंगी तो उसी का 75% कॉस्ट ऑफ सेल्स 20% क्लोजिंग इन्वेंट्री होगा। तो अगर मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स है और इसी को 75% से डिवाइड कर दूं तो टोटल परचेज पे पहुंच जाऊंगा। सर किसी ने सवाल किया कि आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में तो परचेजेस दी भी है, रिसीट पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड पे परचेजेस दी भी है। सर ये टोटल परचेजेस नहीं है, ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, यानी कि यहाँ पे वो परचेजेस आ रही है जिसकी पेमेंट कर दी है। कुछ परचेजेस ऐसी भी तो होंगी जिसकी पेमेंट नहीं की होगी, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से अगर मैंने परचेजेस उठा ली तो गलत होगा, क्योंकि ये तो वो नंबर आ रहा है जो पे किया है। टोटल परचेजेस कितनी है, 17,70,000 रुपए। अब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से मुझे पेड का अमाउंट मालूम चल जाएगा कितना है, देखो 1367। अगर मैंने टोटल परचेजेस 1760 की की है और 1367 पे कर दिया है तो मेरे पास पेबल आ जाएगा 393। और लास्ट चीज क्लोजिंग इन्वेंट्री, सर परचेजेस का 25%, क्योंकि परचेजेस का ही 75% सेल हुआ था, 25% क्लोजिंग इन्वेंट्री है 440। अब आपने देखभाल की चीजों को बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेके जाना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो सिंपली क्या जाएगा, सिर्फ प्रॉफिट, क्योंकि पूरा सेल पीएनएल नहीं आता, सिर्फ प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग एक्टिविटी हमारे ट्रेडिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाता है। अगर आप इसका अकाउंट बनाना चाहे तो कितना रॉकेट साइंस नहीं है, सेल्स आएगी लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगी प्रॉफिट आ जाएगा, सही है। तो मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले जाता हूं प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ बेवरेजेस दैट इज 330। अच्छा अब बैलेंस शीट पे क्या क्या जाएगा, सर बैलेंस शीट पे पेबल जाएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री जाएगी और दिसंबर के महीने की सेल का रिसीवल भी जाएगा, क्योंकि हर महीने की सेल के पैसे अगले महीने मिलता है। तो दिसंबर के महीने की सेल का रिसीवल, ये वाला ट्रेड पेबल और इन्वेंट्री बैलेंस शीट पे डाल देते हैं इनको। करंट एसेट्स में हमारे पास आ जाएगा स्टॉक या इन्वेंट्री दैट इज 440। बैलेंस शीट पे हमारे पास आ जाएगा डेटर्स दैट इज 150। बैलेंस शीट में हमारे पास करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा क्रेडिटर्स दैट इज 393। क्या ये समझ आ रहा है, मैं पक्की बात है, अभी हम कॉपी नहीं कर रहे। पॉइंट नंबर 4, सैलरीज आर पेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। हर महीने की सैलरी अगले महीने की पहली तारीख को पे की जाती है। द अमाउंट ऑफ सैलरी इंक्लूड एन एडवांस अमाउंट टू ₹10,000 पेड टू एन एम्प्लॉय ऑन 1st December 2015। द एडवांस इज रिपेबल ऑन 1st February 2016। अब देखो अगर मैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट देखूं तो 1 million की सैलरीज आ रही है, हमारे पास सैलरी पेड इस 1 million। अब इन्होंने ये कहा कि हमने जो ड्यूरिंग द ये सैलरी पे की ना उसमें से ₹10,000 एक एम्प्लॉय को एडवांस दे दिया था, किसी को जरूरत होती है तो एडवांस सैलरी दे देते हैं। तो यानी कि जो 1 million पे किया है ना, ये इस साल की एक्चुअल एक्सपेंस के अगेंस्ट पेमेंट नहीं है, इसमें 10,000 एडवांस की भी है। तो अगर इसमें से मैं हटा दूं एडवांस सैलरी दैट इज 10,000, तो ये कितना आ जाएगा 990। ये सैलरी पेड है। अब हर महीने की सैलरी अगले महीने को पे की जाती है, यानी फेब की सैलरी मार्च में, मार्च की सैलरी अप्रैल में, एंड सो ऑन। तो नवंबर की सैलरी दिसंबर में पे की गई होगी और दिसंबर की सैलरी भी पे नहीं हुई होगी, ऐसा ही है।
तो यानी कि ये जो सैलरी पे की है ये फेब से लेकर नवंबर तक की है। तो सर अगर हमें टोटल सैलरी एक्सपेंस चाहिए तो 990 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 11 करता है भाई, फरवरी से लेकर दिसंबर तक 10 महीने, सॉरी फरवरी से लेकर नवंबर तक, फरवरी से लेकर नवंबर तक 10 महीने। तो अगर 10 महीनों की सैलरी पे 990 है तो 11 महीनों की सैलरी एक्सपेंस 990 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 11 हो जाएगा 1089। ये हमारा टोटल सैलरी एक्सपेंस है। अच्छा ये टोटल सैलरी एक्सपेंस तो है, इसमें से 990 पेड है, तो इसमें से इसको डिफरेंशियल करो 99, ये हमारा सैलरी पेबल होगा। सर ये तो एक एडवांस हमने दे दिया, ये तो हमने एक एडवांस दे दिया, तो ये तो आपका एक एसेट बन जाएगा। अब एक तरीके से समझ ले 10,000 का लोन दे दिया एम्प्लॉय को, जो वो कह रहा है मैं फरवरी की सैलरी से एडजस्ट करवा लूंगा। इस साल के कौन से एक्सपेंस को एक्चुअली पे किया है 990। इस साल का टोटल एक्सपेंस कितना था सर, 10 महीनों की सैलरी पे करती लेकिन एक्सपेंस 11 महीनों का था, तो मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइड बाय 10 ये टोटल एक्सपेंस आ गया। इसमें से ये पे कर दिया तो बाकी सारा पेबल होगा हमारे पास। क्या ये समझ आ रहा है हमें? अब इसे प्लॉट करें अगर, तो यहां देखना ये 1089 तुम्हारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, ये हमारी करंट लाइबिलिटीज में जाएगा और ये हमारा करंट एसेट्स में जाएगा। इसे प्लॉट कर देते हैं। सर हमारे पास, अच्छा मैं सैलरी पेबल और सैलरी एडवांस नहीं लिख रहा सिर्फ, क्योंकि अभी बहुत सारे और एक्सपेंसेस भी एडवांस और पेबल में, तो हम क्या करते हैं कि लाइबिलिटीज में एक्रूड एक्सपेंसेस और करंट एसेट्स में डिपॉजिट्स एंड प्रीपेमेंट्स। सर एक्रूड सैलरी कितनी है जो पे नहीं की, 99, तो ये लाइबिलिटी में आ जाएगा। और कितनी सैलरी एडवांस में पे कर दी है, 10, तो डिपॉजिट एंड प्रीपेमेंट्स में 10। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमारे पास सैलरी एक्सपेंस डेबिट साइड पे, दैट इज 1089। क्या ये समझ आ रहा है सबको प्रॉपर? कोई चीज कंफ्यूजन हो, ना समझ आ रही है तो पूछ लीजिएगा, अभी भी हम कॉपी नहीं कर रहे। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 5, रेंट फॉर द 3 ईयर वॉज पेड इन एडवांस ऑन 1 फरवरी 2015। रेंट देखो कितना पे किया है, 3.6 मिलियन। अब यहां देखें सर, हमने 3 ईयर रेंट पेड, दैट इज 3.6 मिलियन। इस साल हमने कितना ये प्रीमिसेस को इस्तेमाल किया, 1 फरवरी से लेकर 31 दिसंबर, यानी कि 11 महीने। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे एक्सपेंस कैलकुलेट करके दें, तो 3.6 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइड बाय 36, 1.1 मिलियन। तो यानी कि बाकी हमारा रेंट प्रीपेड है कितना, 2.5 मिलियन। अब देखें ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ये जाएगा एसेट लाइबिलिटी, एसेट सर करंट एसेट, करंट नॉन करंट एसेट, करंट एसेट या नॉन करंट एसेट सर तोड़ना पड़ेगा। इस 2.5 में से, वैसे मुझे देख के समझ आ रहा है कि अगर 36 महीनों का रेंट 36 लाख है तो 1 महीने का रेंट 1 लाख है, तो इसका मतलब है कि इसमें से 12 लाख करंट एसेट है और बाकी का बैलेंसिंग 13 लाख नॉन करंट एसेट है। क्या ये समझ आ रहा है हमें? अब चीजों को प्लॉट करते हैं, पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले जाते हैं रेंट एक्सपेंस। ग्यारह लाख, फिर एसेट्स में
डिपॉजिट एंड प्री पेमेंट्स में मैं एक साल का रेंट डाल देता हूँ, दैट इज 12 लाख, और एक साल के बियॉन्ड के जो 13 लाख था वो मैं नॉन करेंट एसेट में एक एंट्री बना देता हूँ, डिपॉजिट्स एंड प्री पेमेंट्स दैट इज 13 लाख। तो 25 लाख रुपए का जो प्रीपेड रेंट था, 13 लाख रुपए नॉन करेंट में डाल दिया, 12 लाख रुपए करेंट में। क्या ये समझ आता है हमें? सिर्फ अभी हम फिलहाल ये वाला हिस्सा कॉपी कर रहे हैं, बैलेंस शीट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं मिटाऊंगा, ये चीज जल्दी से कॉपी कर ले तो फिर आगे बढ़ता है। सर नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 6 कहता है प्रेजेंटली द क्लब इज ऑपरेटिंग इन अ रेंटेड प्रीमिसेस, हाउएवर अ प्लॉट ऑफ लैंड हैज बीन परचेज ऑन विच कंस्ट्रक्शन विल कमेंस शॉर्टली एंड द टाइटल वुड बी ट्रांसफर्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द लीगल फॉर्मेलिटीज। अब अगर आप अपने रिसीट इन पेमेंट अकाउंट को देखें तो पेमेंट अकाउंट में हमारे पास एडवांस फॉर प्लॉट ऑफ लैंड आ रहा है 65 मिलियन, यानी हमने एक प्लॉट ऑफ लैंड को खरीदने के अगेंस्ट 65 मिलियन का एडवांस दिया है, और अभी लीगल टाइटल हमारे नाम पे ट्रांसफर नहीं हुआ, यानी कि अभी एक तरह से इवेंचुअली हमारा एसेट नहीं बना, लेकिन जो हमने एडवांस पे किया है वो एडवांस तो हमारे लिए एसेट है। तो मैं अपने पास नॉन करंट एसेट में सिंपली एडवांस फॉर प्लॉट 65 मिलियन शो कर दूं। मैं प्लॉट शो नहीं कर सकता क्योंकि अभी लीगल टाइटल मेरे नाम पे ट्रांसफर नहीं हुआ, लेकिन जो एडवांस दिया वो एक तरीके से मेरा एसेट है, तो मैंने एडवांस फॉर प्लॉट 65 मिलियन। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट में एडजस्टमेंट नंबर 7 पेमेंट फॉर यूटिलिटीज इंक्लूड सिक्योरिटी डिपॉजिट पेड टू यूटिलिटी कंपनी अमाउंटिंग टू ₹20,000, यूटिलिटी बिल आर पेड ऑन द 7th day ऑफ द नेक्स्ट मंथ। कह रहा है जो आपने यूटिलिटीज की ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट किए ना, इसमें से 20,000 रुपए का अमाउंट सिक्योरिटी डिपॉजिट का है, बाकी हर महीने का बिल अगले महीने पे किया जाता है, यानी कि फेब से लेकर दिसंबर तक के महीनों में हमने जो यूटिलिटी बिल पे किया होगा वो फेब से लेकर नवंबर तक का किया होगा, और दिसंबर का जो यूटिलिटी बिल है वो अगले साल January 16 में पे होगा। तो अगर मैं रिसीट एंड पेमेंट से यूटिलिटीज की पेमेंट देखूं तो ये कितना आ रहा है, 570। अब यहां देखें सर, हमने यूटिलिटी पे की है 570, लेकिन इसमें से 20,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट का है, तो इसे हटा दें। तो एक्चुअली जो आपने यूटिलिटी ड्यूरिंग द ईयर पे की है दैट इज 550। अब ये यूटिलिटीज है तो सही, लेकिन ये फेब से लेकर नवंबर तक की है, तो अगर हमें टोटल एक्सपेंस चाहिए तो 550 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइड बाय 10 कर दें, 605। ऐसा ही होगा ना? अब 605 में से 550 पेड है, तो यानी कि 55 पेबल है। अब चीजें कहां कहां जाएंगी? सर ये जो 605 है ये आपका जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ये जो पेबल है ये आपका जाएगा करंट लाइबिलिटीज में, और ये सिक्योर डिपॉजिट ये कहां जाएगा, सिक्योर डिपॉजिट करंट एसेट नॉन करंट एसेट करंट लाइबिलिटी नॉन करंट लाइबिलिटी। सर ये हमारा नॉन करंट एसेट है क्योंकि ऑब्वियसली हमने कनेक्शन तो अभी चलाना है ना काफी सालों तक। हाँ सिक्योर डिपॉजिट हमें वापस मिल जाता है, इसीलिए तो हमारा एसेट है कि हमने कैश क्रेडिट एक्सपेंस डेबिट नहीं किया, सिक्योरिटी डिपॉजिट एसेट डेबिट कर दिया कि जब हमें वापस मिल जाएगा तो हम कैश डेबिट सिक्योरिटी डिपॉजिट क्रेडिट कर दें। तब चीजों को प्लॉट करते हैं, तो मैं नॉन करंट एसेट्स में डिपॉजिट्स एंड प्री पेमेंट्स में 20 ऐड कर देता हूं सिक्योरिटी डिपॉजिट वाले, 55 रुपए की लाइबिलिटी एक्रूड एक्सपेंसेस में ऐड कर देता हूं, और 605 के यूटिलिटी एक्सपेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड पर। 605 का एक्सपेंस नॉन करंट एसेट्स में 20 का सिक्योरिटी डिपॉजिट और करंट लाइबिलिटी में 55 रुपए की दिसंबर के महीने का बिल। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 7 ये आसान सी एडजस्टमेंट है, इंश्योरेंस प्रीमियम वाज पेड ऑन फर्स्ट फेब 15 कवरिंग पीरियड ऑफ 12 मंथ। कह रहा आपने फर्स्ट फेब 15 पे 1,20,000 रुपए का इंश्योरेंस पे किया,
हमने इंश्योरेंस का जो प्रीमियम पे किया है वो पे किया है 120। अब ये 12 महीनों का है, तो फर्स्ट फेब से लेकर 31 दिसंबर तक 11 महीने एक्सपेंस आउट हो जाने चाहिए, यानी कि 120 मल्टीप्लाई बाय 11/12 110, और एक महीने का प्रीपेड होना चाहिए 120 मल्टीप्लाई बाय 1/12 10, तो 110 एक्सपेंस, 10 रुपए एसेट, पेबल या एसेट, एसेट क्योंकि प्रीपेड किया है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इंश्योरेंस एक्सपेंस 110, करंट एसेट्स में डिपॉजिट एंड प्रीपेमेंट्स में मैं ये 10 भी ऐड कर देता हूं। अगली एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 9, रिपेयर एंड मेंटेनेंस इंक्लूड्स एन एडवांस ऑफ 1 लाख पेड टू अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ पार्किंग शेड। रिपेयर बिल्स अमाउंट टू रुपीज 7,000 वर आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड। सर अगर आप पेमेंट साइड पे देखो तो आपने टोटल रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे किया है 275 में से 1 लाख रुपए तो ऐसे हैं जो एक कॉन्ट्रैक्टर को एडवांस दिया है एक पार्किंग शेड बनाने के लिए, बाकी 7,000 रुपए की रिपेयर एंड मेंटेनेंस अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखें अगर हम रिपेयर एंड मेंटेनेंस, सर हमने एक्चुअली पे किया है 275 जिसमें से एडवांस फॉर शेड 1 लाख, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस हमने पे कितना किया है 175, और रिपेयर एंड मेंटेनेंस आउटस्टैंडिंग कितना है 7,000। तो इसका मतलब है कि 175 प्लस 7 182, ये हमारा रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस होगा, ऐसा ही है। अब ये हमारा जाएगा करंट लाइबिलिटीज में जो आउटस्टैंडिंग है, ये हमारा जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो एक्सपेंस है, और ये जो 100 रुपए है ये हमारा पार्किंग शेड के 100 रुपए का क्या करेंगे सर, ये हमारा नॉन करंट एसेट। चीजों को प्लॉट करता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख जाते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस दैट इज 182, बैलेंस शीट पे लेके जाते हैं डिपॉजिट एंड प्रीपेमेंट्स में डाल दें, चाहे तो अलग लाइन आइटम बनाते, कोई हर्ज नहीं है। एडवांस फॉर पार्किंग शेड 1 लाख, और लाइबिलिटी में क्या लेके जाना है 7 रुपए का रिपेयर मेंटेनेंस एक्सपेंस, तो मैं एक्रूड लाइबिलिटीज में 7 ऐड करते थे, 7 रुपए से मैंने एक्रूड एक्सपेंसेस बढ़ा दिए, पार्किंग शेड का मैंने एडवांस दिखा दिया और प्रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस 182 दिखा दिया। इसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट है फर्नीचर एंड वैन वर परचेज ऑन 1st Feb 2015, डेप्रिसिएशन ऑन दीज एसेट्स टू बी चार्ज एट 10% एंड 20% रिस्पेक्टिवली। सर अगर मैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट देखूं तो फर्नीचर 12 लाख, वैन 15 लाख, फर्नीचर 12 लाख, वैन 15 लाख, यहां देखें फर्नीचर की कॉस्ट कितनी है 12 लाख और वैन की कॉस्ट कितनी है 15 लाख। सर डेप्रिसिएशन इस पे चार्ज होगा मेरे ख्याल 10%, लेकिन 11 महीनों का डेप्रिसिएशन इस पे चार्ज होगा 20%, लेकिन 11 महीनों का, तो इस पे डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है 110, तो ये रह जाएगा, और वैन पे डेप्रिसिएशन आ रहा है 275, ऐसा ही है। तो बस अब जिसे प्लॉट कर देता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा 110 और 275 385, और बैलेंस शीट पे मैं अलग अलग शो कर देता हूं फर्नीचर और वैन, फर्नीचर है 1090 और वैन है
2225। तो मेरे ख्याल है कि सारी एडजस्टमेंट्स हो गई हैं, रिसीट में पेमेंट अकाउंट में देखिए सब हो गया मैनेज। सर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में एक आ रहा है हमारे पास स्पॉन्सरशिप कंट्रीब्यूशन, जिसका आपने अभी तक कुछ नहीं किया। ज्वाइनिंग फी, सब्सक्रिप्शन, सेल ऑफ बेवरेजेस देख चुके हैं, फर्नीचर, वैन, सैलरीज, रेंट, यूटिलिटीज, इंश्योरेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, परचेज ऑफ बेवरेजेस, एडवांस फॉर प्लॉट, ये सब देख चुके हैं बैलेंस। तो हमारे पास सबसे पहले जो बैलेंस है वो कैश एंड बैंक का बैलेंस है, तो मैं करंट एसेट्स में दिखा देता हूं। कैश एंड बैंक दैट इज 27620। अब हमें बैलेंस शीट को क्लोज करना है, लेकिन बैलेंस शीट को क्लोज करने से पहले हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर को क्लोज कर रहे हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में देखिए आपके पास सरप्लस आ रहा है या डेफिसिट आ रहा है, कैसे देखेंगे सर? इनकम साइड का टोटल, एक्सपेंस साइड का टोटल। देखो इनकम साइड का टोटल कितना है, टू फाइव, और एक्सपेंस साइड का टोटल कितना है, 3471। तो यानी कि यहां पे हमारे पास सरप्लस आ रहा है 2228। और जब सरप्लस आ रहेगा तो ये हमारा डेबिट क्रेडिट का टोटल मैच कर जाएगा। ऐसा ही है, इनकम का टोटल एक्सपेंसेस माइनस किया तो हमारे पास इतना सरप्लस आ गया। अब देखें सर, हमने नॉन करंट एसेट्स फर्नीचर वैन ये कितना आ रहा है, यह आ जाएगा 1320, ये 65 मिलियन था, 65,000 था, 65 मिलियन सर। और ये पार्किंग चेयर, तो ये हमारे पास नॉन करंट एसेट्स का टोटल देखिए कितना आ रहा है, 68। हमारे पास ये आ जाएगा 1220। तो हमारे पास करंट एसेट्स का टोटल 29430। तो टोटल एसेट्स 98। फिर हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटीज में तो सिर्फ ये है, करंट लाइबिलिटीज का टोटल, अच्छा करंट लाइबिलिटीज में ये भी आएगा 99,55,07। सर ये समझ आ रहा है बाकियों को मैं क्या कर रहा हूं? तो हमारे पास करंट लाइबिलिटीज का टोटल 10538। अब हमारी फंड्स रह गई है सर, सर फंड्स में हमारे पास एक स्पॉन्सरशिप कंट्रीब्यूशन डाल देता है, क्योंकि ये तो एक तरीके से जिस तरह से कंपनी स्टार्ट होती है तो बिल्कुल डे वन पे कैपिटल इंजेक्ट किया जाता है, तो ये तो एनपीयू की स्टार्ट पे स्पॉन्सर्स ने कंट्रीब्यूशन किया है, तो इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाना मेरे ख्याल से सही नहीं है, ये हम डायरेक्ट फंड में ले जाते हैं। और हमारे पास सरप्लस 22,289, तो हमारे पास टोटल फंड आ जाएगा 72289। अब अगर मैंने सही किया है तो फंड्स, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज, इन सब का टोटल 98165 बन रहा है, तो ये हमारे पास फंड्स एंड लाइबिलिटीज का टोटल आ गया। क्या ये समझ आता है? मैं तो यहां तक हमारा सवाल कंप्लीट होता है, कॉपी करें इसे, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं।